नंदनंदन को प्रसन्न करने के लिए, राधा जी को प्रसन्न करने के लिए नंदन Yeah.
Shri Ram, 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 Shri Ram,
Oh,
अंतरंग में काम करने वाले मतलब आपस से बंसी बजाने वाले राधिका के रसी आप हमारे प्रति कृपा करें, क्या कृपा करें, स्वप्रिया चरण की उतरी अपनी प्रिया जो राधिका जी है उसके चरणों की कृष्ण को
प्रसन्नता पूर्ण है। कृष्ण स्वयं कुछ नहीं कर कोर्ट में है, गिरिराज भारत कौन करते हैं, शक्ति राधा देखते हैं कैसे दृष्टि शक्ति किसी के ऊपर में कृपा करते हैं, कृपा शक्ति ये शक्ति का मूल आधार है। इसीलिए कहते हैं आनंदम से राजनी तदम से संधिनी से संधि जाए परी माने ये राधा के लिए सब विशेष है। यदि राधा जी न रहे शक्ति न रहे तो कृष्ण जी से कोई नहीं, इसलिए कहते हैं कृष्ण के हालात या जो कुछ होता है सृष्टि प्रलय संहार इत्यादि किसी पत्रिका करते हैं वास्तव्य भाव से सब में राधा जी की कृपा है। असुरों को संहार करने में किसी पर दया करने में सब में राधा जी की है। कृष्ण इच्छा करेंगे बात और उनकी सारी इच्छाओं को सारी मनोकामनाओं को राधिका जी से शक्ति द्वारे सुख आस्वाद और कृष्ण उन्हीं के माध्यम से सारे कष्टों का आस्वाद सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वाद कृष्ण सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है आनंदम ब्रह्मा और सुख आस्वादन करते हैं किंतु मूल कारण उसका आनंद है जो आस्वादन करते हैं। मूल कारण क्या है उनका स्वरूप क्या है राधेय सार सार अंत सार प्रेम नाम राधेय का विचार राधेय शक्ति है उसका सार उस सार का नाम प्रेम है और आनंद की मैं रूप रस आख्या प्रेम रस परमसार प्रेम का भी महासार महाभाव है से ही महाभाव राधा का ज्ञानी से ही महाभाव रूपा प्रेम का सार महाभाव महाभाव का सार राधा रानी का है। प्रेम स्वरूप दे राधा जी के स्वरूप उनका देह कहता है प्रेम स्वरूप प्रेम का स्वरूप दे प्रेम विभावित प्रेम के द्वारा ही विभावित है। जैसे दुख है कर्म और इसको कुछ दे दिया जमाव बन गया गरीब मूल स्वरूप तो राधा जी का शरीर राधा जी का मन राधा जी का भाव उनके अंग प्रत्यंग जो कुछ है कृष्ण विभावित प्रेम विभाव उसी से बना हुआ है। प्रेमी मूर्तिमान हो करते थे राधा जी बना वो प्रेम का किसी का प्रति जो प्रेम है वो विभावित हो करते कृष्ण जगत कृष्ण की असल में दुर्गा कोई है ही नहीं जितनी राधिका जी की शक्तियां हैं या तो राधा जी की कैद है उनके प्रकाश है या वैभव है या किसी न किसी रूप में इसलिए दूसरा नहीं है। ये प्रेम विलास के लिए राधा जी निश्चित होकर के इतनी कोटि कोटि गोपियों के रूप में और वही द्वारका के महिषियों के रूप में वही नारायणी के रूप में वही जिसने हमारी शक्तियाँ हैं सब शक्तियों के रूप में राधा जी ने प्रकाश जिसे केवल जैसे कृष्ण ही एक रूप में ही सब में वैध रूप में अवतार इत्यादि सब कुछ ऐसे राधा आनंद के मैं रस प्रतिभा विदाधि ताधि के एव निज रूप कया कलाधि गोरो के एव निव शक्त पिलात्म भूत गोविंद मासि पुरुषं तमहं
यही महाभाव है कि काम विचार कृष्ण वंशा पूर्ण करे यही कार्यता। वही जो महाभाव होता है कौन महाभाव है? प्रेम का सार महाभाव। और महाभाव से उसका राधा का प्राणी है वही महाभाव। महाभाव को समझने में बहुत कठिन है। विषय का अंतिम सीमा और विषय की अंतिम वृत्ति संबित वृत्ति और वो भी राधिका के गम में। राधिका के गम में जो भाव है कृष्ण उसका उज्जवल दिन मणि त्याग ने बहुत सुंदर सरस प्रारंभ में क्या याद है क्या याद है? जावदास वृत्ति स्वसंवेद दशा माने क्या है? तो राजा की कई वेद्य है और किसी को विषय का वेद्य है कृष्ण का भी वेद्य है लेकिन ये कृष्ण पंचा पूर्ण करे एक कार्य का कृष्ण की इच्छा को परिपूर्ण रूप से पूर्ण करना ही उनका कार्य है। महाभाव चिंता राधा स्वरूप ललिता ने सबकी तारकायद्यूर जो हमने बताया चिंतामणि महाभाव चिंतामणि चिंतामणि से जो कुछ मांगो वो दे दी। तो कृष्ण जो कुछ इच्छा करते हैं राधा जी के निकट जो कुछ भी इच्छा करते हैं वो सभी उन्हीं के लिए कृष्ण के लिए ये कार्य के रूप में लंका के शाखा इत्यादि कितना दिन सरकार प्रधान भाव है वो किसके किसके लिए कृष्ण की एक एक भाव को परिपूर्ण कर। तो राधा जी चिंता मणि के समान जो कुछ कृष्ण चिंता करते हैं और वो पा लेते हैं। चिंता मणि कृष्ण को नहीं करता है नहीं कर सकते वहां को कह रहे हैं ये हाथ जोड़ करके न पा रहे हम फिर वक्त राधा जी उनकी सब इच्छाओं को पूर्ण करते ललिता जी सभी तारकार राधावती कृष्ण स्ने। अब राधिका जी का जो स्वरूप है उसको रघुनाथ दास गोस्वामी शायद वर्णन किया है दास राधावती कृष्ण स्ने Radha. Also, Radha means Krishna, Radha, Radha.
through his worship by Sri Krishna, my name is Radha. As described by Sri Radha Das Goswami, Apoy Puna Kriyatna, Apta Devya Prasarada Namaskarti Kapikati Tatsya, Apta Devya. Krishna himself, he performs worship of Radhakund. He takes bath 3 times a day there, according to all the regulations of Shastra, and he does Mantra Japa of Radhika's name, just to attain her favor. So Krishna, he cannot do anything by himself. Who is in Kiraj Govardhan? Radhika is in Kiraj Govardhan by the Krishna Shakti, by the power of the land. So, the Shaktiman, he cannot do anything without the help of Shakti. Shakti Satyananda Vigraha. Shakti refers to Sankti Shakti, Chittu, Sankti Shakti, and Anandu Ladini Shakti. Radhika is the Murti of Ladini Shakti. Without Shakti Ladini Shakti is nearly dead. All the 50 species were like maintenance and destruction of the material world. All performed by Shakti, so Radhika is the root cause. Shakti Radhika fulfills all of Krishna's desires. Krishna is Sukh Swarup. He is embodying all happiness. And he tastes all happiness. So the root cause of his happiness and his tasting of his happiness is Shakti Radhika. So it's described in Sri Chaitanya Charitamrita, Hari Sara Prem Prema Sara Bhav, Bhav Bhava Kanta Sara Bhava Bhava. The essence of Ladini Shakti is praying. And the essence of praying is Mahabhava. Mahabhava Swarupa Sri Radha Thakurani. And the embodiment of Mahabhava is Srimati Radhika. So, if something is added to milk, it will become yogurt. But yogurt is nothing but milk everywhere. So in the same way, Radhika, she is nothing but Krishna praying. Every limb, every part of her body is simply composed of praying for Sri Krishna. All the gopis, their manifestations of Radhika, her kaya viva. All the queens in Dwarka, her prakash vigraha. And all the Lakshmis in Vaikuntha, her vilas vigraha. It is very difficult to understand Mahabhava. It has been explained very clearly and beautifully by Sri Rupa Goswami Pai, who taught me that money. Anuraga Saksambhya Dasa Prapa Prakashita Yada Dashvaya Bridges Dead Bhakti Chapi DFA. When Anuraga reaches its ultimate condition, in that state, Svaksambhya Dasa comes. Svaksambhya Dasa cannot be understood by anyone. It's only understood by Radhika. Even in that stage, Radhika loses sense of who is she and who is Krishna. Only the taste of relishment of Sri Krishna's beauty remains. So, in the Chaitanya stage, it explains Mahabhava Chintamani Radha Swarup Radhika Saktar Kayatu Guru. Radhika is Mahabhava Chintamani. Chintamani is desire stone. Any chinta, any desire you have, then that chintamani will give. So he, Radhika is compared to chintamani. Because whatever chinta, whatever desire Krishna has, Radhika fulfills that. Radhika is Sakshitakaratu. And all the sun is headed by the Lita. They are the roaches, the embodiments of her individual roots. So because Krishna Radhika, she fulfills all the desires of Sri Krishna. Krishna feels so indebted to her and he said, Napayam Kheravati Samhita, I cannot be there yet. Abhinandya Tattaya Mahabhava Chintamani Radha Swarup. Radhika ki swarup kya hai? Mahabhava Chintamani. Ye Tumhwalu. Unka kaya. Sari. Aur राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधी बर्तन माने स्नान करने के पहले सरसों को पीस कर अभी राधिका जी के लिए नहीं
अंधकार जल जाएगा और भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कमल की पंखुड़ियों में पराग जो है पराग का उत्सन बनता है और तो ललिता विशाखा इत्यादि रुक्मिणी देवी इत्यादि उसको उत्सन लगा। तो ये उत्सन की चीज क्या बना? राधा प्रति कृष्ण ने राधा जी के प्रति कृष्ण का जो उसने कृष्ण का स्नेह राधा जी के प्रति कितना स्नेह है वो उत्सन लगा। ताते सुगंधी दे ताते वो कृष्ण का जो कृष्ण के प्रति स्नेह उसमें सुगंध है सुगंध में बर्तन है। तो राधा जी के शरीर में अपना तो गंदा ही है और वो भी सर के ऐसा तो हो जाने से कृष्ण और मुक्त हो जाते हैं उनको सुन करके। जैसा कदा विकसन आने के लोखे दुलस्क धन्या धन्या करो में योगंद दुर्मान जखे मधुसु दुर्मान सत्या नमस्त गुर्मान इसे अंशव का हवा कलिता नहीं कलिता तो बहुत अंशव से स्पर्श हुआ और उसमें जो सुगंधी आई कृष्ण ने अपने को धन्या मान लिया। कह रहे ताकि सुगंधी उज्ज्वल वरण और राधिका जी का मन कैसे कृत्रिम पूरक पूरक कृत्रिम पूरक माने क्या पूरक माने सोना आप सोने को इससे काट दो काटने से बलि रही जो भीतर से अत्यंत सुंदर किताब निकलता है राधिका जी का अथवा राधिका की हल्दी को तोड़ दो तो वो कैसे होगी वो सोने से भी ऐसे से परिपूर्ण कारणामृत धारा स्नान प्रथम तीन बार स्नान करती है सवेरे दो बार दो शाम तो कारण क्या अमृत कारण माने क्या करुणा करुणा के भाव को कारण कहते हैं और वो अमृत के समान धारा स्नान करते हैं। राधा जी कृष्ण प्रणय विकास राधा जी कृष्ण प्रणय विकास अर्थात कृष्ण प्रेम मूर्त विग्रह तहार मानसिक भाव कायिक अंग प्रत्यंग देश आदि समस्त ये श्री कृष्ण प्रेम एक कृष्ण की कारुण्य अमृत की धारा से अपने से अपने कोई रचना नहीं करे वो कोई तीसरी चीज होने के लिए कृष्ण के प्रति राधिका जी का राधिका जी के प्रति कृष्ण का जो कारण अमृत भाव है उसके द्वारा पहला स्नान किया और तारण कर किंतु तुम्हारा ही राधिका जी की कारुण्यामृत आरुण्यामृत तारुण्यामृत कारुण्यामृत माने क्या किशोरी का भाव राधा जी कैसी किशोरी किशोर उम्रियों के नहीं तो बैठकर किशोर में कृष्ण आकर्षित होते हैं अभी तो तारुण्य तारुण्य में भी तीन है प्रथम ऋषि प्रीति प्रथम तो बया संधि और या कुला नहीं
ज्ञात जवन पूर्ण जवन सही इस तरह से तालन में आवे तो धारा स्नान मध्यम मध्यम है और लावण्य रूप लावण्य माने जैसे धीरे में मोती में भीतर से चमक आती है आवाज निकलती है ऐसे ही संसार आवाज में निकलती है जो कृष्ण को आकर्षित कर दे नीचा लज्जा जैसे वहां बैर चलती हुई तो लज्जा आ जाती है पहले कोई लज्जा नहीं है किंतु जहां आया बैर चलती का और कहां पहले लज्जा नीचे लज्जा श्याम पट कटोरी श्याम पट कटोरी परिधान वो पहन लिया लज्जा से पट्टर साथी कभी कहीं अरुण भी है और अमल कमल कांति नीत वस्त्रां से गए थे दशदर्शन वस्त्रां अंजन की मनोज्ञान संजित मुक्ता दाम दीप्तां किशोरी भजत कांतां राधिका काष्ठे अमल कमल पट्टो भिष्काश्री गौरी लारी संपरी दाम किशोरी हरि भूमि परिरक्षा लक्ष्मण मंच पाली जित अरुण दुकुला अरुण महापश्याम बताया कि यहाँ पर अरुण लगता है समय समय पर तो कृष्ण अनुराग वसपट सारी और यहाँ पर कृष्ण का अनुराग ये अरुण दर्शन है वसपट का दर्शन प्रणय मार संयुक्ता प्रणय और मार कृष्ण के प्रति प्रणय और मार द्वितीय अर्ण वर्ण मार पंचुलिका माने उसमें मन में छिप जाता है मुख टेढ़ा होगा और न जाने क्या क्या कैसे कैसे सुंदर भाव आएंगे वो छिपा देने वाला होता है भाव को तो वही क्या है कृष्ण मान प्रणय मान पंचुरी का है वक्त अच्छा दान सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन सौंदर्य उनका है वो कुमकुम है और सखी प्रणय ललिता विशाखा इत्यादि मंजरियों का करता उनके प्रति राधा जी के प्रति जो प्रणय है वो चंदन है चंदन लगाने से जैसे सौंदर्य भी होता है सुगंध भी होती है और स्मित का कांति उनका मधुर मुस्कुराना कृष्ण की तरफ से देखकर कपूर है तीन अंगे तीनों अंगों में ये विलोपन तीन अंग एक चीज अंग भी है एक चीज ये चीज क्या है सौंदर्य कुमकुम चंदन और कर्पूर ये तीन अंग ये विलोपन है और आज तक से और क्यों भी अरे खाने नहीं जा कृष्ण रूप ज्वाला कृष्ण के प्रति जो उज्जवल रस उसका है उन्नत उज्जवल पार्थिव भाव मृग मृगमत धारण कर रखा है मृगमत का गुण क्या है मत करना सौंदर्य बढ़ाना मत करना तो ये कृष्ण का यह जो
सुनना तो उज्जवल पाठ की जो भाव है राधा जी का मृगम भर मृगम का भर मैंने सूर है श्री कृष्ण मदे के से मृग मदे विभु विभुति कले उसे तरह तरह से उसको संबंध को मंडित कर दिया है लगा कर प्रसन्न मान प्रसन्न मान मैंने मान भी बहुत तरह का एक व्यक्ता एक प्रसन्न प्रसन्न मान और भी हमारे प्रति अरे चंद्रा चंद्रा हमारे प्रति आपने मान किया है मैं मानता आपके प्रति मान मैं तो आपकी सब प्रकार से मान गई और मान पूरा है ये मान हम भी मैं जुड़ा को जो कृष्ण के मन को मुक्त कर देता है धीरा भी धीरा 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 अधीरा आत्मा गुण अंगे पटना धीरा भी हाँ यही उनकी है उनका भाव है कोई धीरा कोई अधीरा और राजा जी धीरा धीरा करो अंगे पटना और अंगों का जो पटक है पटे के वो सब है राम तांबू लगाए अमर उज्जवल राग क्या है तांबूल मान तांबूल का इसको इस रूप में भी ले लो कृष्ण का चरित्र तांबूल राग क्या ही ग्रहण करते हैं पुरोगता का अमल कपूला राग का त्रिवेद प्रथम बिंदु फल धम मिल धारी विगड़ित मधुर धोरणी के इच्छा प्रदर्शन मधुर पंख बिंदु दूर तांबूल राग सुरधन अपलो अमल कपूला राग का सराग तांबूल रागे अदा उज्जवल प्रेम कौटिल्य नेत्र दूर कर्ज प्रेम कौटिल्य उनका प्रेम कौटिल्य क्या है अथवा नेत्रों का जो कज्जल है वही मानो प्रेम कौटिल्य प्रेम की कुटिलता सुदीप्त सात्विक भाव सात्विक आदि भाव हर्ष आदि संचारी एक सब भाव भूषण सब अंग है हाव भाव प्रकृति इत्यादि भावों को धारण करते हैं संचारी भावों को धारण करते हैं राम काम परमान के अश्रु तुलस परिवर्तन इत्यादि किलके चिता विभाव हिंसक भूषण बीस प्रकार के इन भूषणों से वो विभूषित हैं गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरी कर सौभाग्य की कम चालू लला के उज्जवल सौभाग्य सौभाग्य राजा सौभाग्य माने क्या पति का स्त्री के प्रति जो सुहाग होता है कृष्ण का राजा के प्रति जो सुहाग है प्रेम है यही उनके लिए सुहाग है तो सौभाग्य तिलक वही है तिलक चालू लला के उज्जवल प्रेम वैचित्र रत्न प्रेम वैचित्य यही रत्न है और हृदय तरण और किसे हृदय तरण है मध्य वयस सभी स्कंधे करे न्याय मतलब है क्या है मानो सखी के स्कंधे पर ललिता या विशाखा या मंजिलियों के कंधे पर हाथ रख कर कृष्ण की तरफ में उन भावों से दर्शन करते हैं ये मध्य वय है कृष्ण लीला अनुभूति सखी आस पास निजात गौर भले गर्व पर जमकर ताते बची आके कदाचित से कृष्ण संग कृष्ण नाम गुण जल अवतरण कथा कृष्ण का नाम उनका जस गुण यह राधा जी के लिए अवतरित है काम का आलोचन है अतः तत्व उसको सुनती है कृष्ण नाम
कृष्ण नाम कृष्ण गुण प्रवाह सत्यम है और कृष्ण का गुण प्रवाह सत्य है। यदि कृष्ण के प्रति तुम्हारा इतना मान है, कृष्ण यदि इतने बुरे हैं तो उनका प्रसन्न क्यों नहीं छोड़ते, तो कृष्ण को तो छोड़ सकती है किंतु कृष्ण का कथा नहीं छोड़ सकती। कृष्ण ने क्या की, वो क्या करती है, जब तो लोग मान लिया वो कुछ नहीं कर सकती था बाला। अरे वो क्या है, सब आम बतला है वो पांच के होता है जो बांध और ये सब कुछ है। मेरे को भी पता नहीं जब देख रहे हैं कि 2005 में कुछ लोगों के पास टीवी और काम या बल के वाली और कावे तरफ वन तरफ और आशित कर रहे हैं कृष्ण नहीं कर रहे हैं आशित आशित कर रहे हैं कृष्ण नाम नहीं दे रहे हैं जितने आशित हैं उनका फल होता है। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान राजा की श्याम रस, श्याम रस किसको कहते हैं, कृष्ण के प्रति श्यामा का राधिका का जो रस है वो रस राधिका जी को राधिका जी पिलाती है कृष्ण सारा तरह से उनको रस पिलाना ही आस्वादन कराना ही उनका काम है। निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सब का समस्त कामनाओं को ये पूर्ण करने वाली कोटि कोटि गोपी फलित के नारी का कृष्ण जन्म एक जिसके लिए राज वही नहीं तो किस लिए राज भानी का राज। कृष्ण विशुद्ध प्रेम रखने आकर अनुपम गुण का निश्चित कर जातो भाग्य गुण पांचे सप्त भाना जरखाई कराविया सीखे ब्रजराना सत्या शिक्षण गुरु सकीना सखियों के भी ललिता के भी इच्छाकार इत्यादि सबके ये कौन है गुरु किंतु सबका शिष्य बनती है। ये कहा गया ललता जहाँ सौंदर्य गुण पंचे लक्ष्मी पार्वती जहाँ प्रति भक्त धर्म पंचे अरुंधति जहाँ सदगुण बनने कृष्ण ना पाए पार सार गुण बनते उनके मन जीव उनके गुण कैसे हैं उनकी दया कैसी है कैसी है राधिका साधारण जीव क्या पा करे कृष्ण ही कभी वर्णन कर सकते क्यों नहीं वर्णन कर सकते वर्ण करते हैं गला बंद हो जाता है और मुख दो करते हो प्रभु का है महाप्रभु जी आप सुन रहे हैं कौन सुन रहा है कृष्ण कृष्ण सुन रहा है। अच्छा और ज्ञानी कृष्ण राधा प्रेम तत्व सुनते चाहिए दुहार दिला आठ भी बच गया और माधव महाराज की इच्छा भी पूर्ण हो गई और जल्दी समाप्त हो गया। तो अभी